नजर आएंगे। गृहमंत्री अमित शाह जो है वो भी बैठक का हिस्सा होंगे, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 31 जुलाई को बड़ी बैठक होने जा रही है केरल में, समन्वय समिति की यह बैठक होगी आरएसएस और बीजेपी की, जहां पर 31 जुलाई को इस बड़ी बैठक में कई बड़े जो चेहरे हैं वो हिस्सा यहां पर लेंगे। अमित शाह राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। वही आरएसएस बीजेपी की 31 जुलाई को इस बैठक में जो जिस तरीके के जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें भी चर्चा होगी। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो भी हिस्सा होंगे। और आपको बताएं कि चुनाव नतीजों के आने के बाद ये पहली बार बैठक आरएसएस और बीजेपी की होने जा रही है। और इसी के साथ एक और अहम जानकारी आपको बताते हैं, इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया उससे अब आरएसएस ने दूरी बना ली है। ये कहा गया आरएसएस की तरफ से कि जो बयान इंद्रेश कुमार ने दिया विचारधारा है। आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार ने कहा था राम को मानने वाले अहंकारी हो गए और राम को नहीं मानने वाले इस चुनाव में हार गए। अब इसी बयान पर आरएसएस ने दूरी बना ली है और उन्होंने कहा है कि इंद्रेश कुमार का बयान आधिकारिक नहीं है, बीजेपी पर इंद्रेश का बयान निजी है, ये भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस की तरफ से दरअसल ये बयान जारी किया गया है, कहा गया कि इंद्रेश का बयान आधिकारिक नहीं है। जिन्होंने राम के धरते के पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार का कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक नहीं बने, नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, जहां एक तरफ 400 पार का नारा था, हालात ये हो गए कि बीजेपी पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर सकी। इसे लेकर अब आरएसएस के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता इंद्रेश कुमार, उन्होंने कहा है कि पार्टी को अहंकार हो गया था। देखिए इस रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं को संघ ने फिर दिखाया आईना। मोहन भागवत के बाद इंद्रेश कुमार की नसीहत, इशारों में पार्टी नेताओं को बताया अहंकारी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद संघ और बीजेपी की दूरी सार्वजनिक रूप से दिखने लगी है। संघ की तरफ से एक बार फिर बीजेपी को सार्वजनिक रूप से नसीहत दी गई है। संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने इशारों में बीजेपी के नेताओं को अहंकारी बता दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने राम की भक्ति की लेकिन उनमें अहंकार आ गया था। इंद्रेश ने चुनावों में बीजेपी के बहुमत से दूर रहने की तुलना भगवान राम के न्याय से कर दी। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार का कारण बोला। इसलिए जिस पार्टी में भक्ति के अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया और सबसे बड़ी बना दी। आरएसएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रचारक इंद्रेश कुमार ने जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के साथ ही इंडी गठबंधन को भी निशाने पर लिया। इंद्रेश ने कहा जिन लोगों ने राम का विरोध किया भगवान ने उनके साथ भी न्याय किया, सभी राम विरोधी दल मिलकर लड़े फिर भी सब मिलकर एक नंबर पर नहीं आ सके, प्रभु राम ने उन्हें भी नंबर दो बना दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। आपको बता दें कि इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीजेपी को खरी खरी सुनाई थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में बीजेपी के सीनियर नेताओं को अहंकारी बताया था। भागवत ने कहा जनता के सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए। संघ प्रमुख ने मणिपुर को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर
उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है।